निकाह जब हो रहा है तो मेरी माँ सिर पे हाथ दे के रो रही है, ऐसे मुड़ के जो देखा तो हम भी रोने लगे। बच्चा हम क्या जानते, अभी का बच्चा लोग तो एडवांस है। हमको बोले तू काहे रो रही, हम बोले बाजी रो रही है इसलिए हम रो रहे, लेकिन किस लिए रो रही नहीं मालूम। 80 साल की उम्र में उसके सामने उसके औलाद को कत्ल करके सर दस्त में ला के उसका सर दे नाश्ते में बाप को, अब बाप उफ ना करे, ये उठा के देखिए बोले कि शुक्र है अल्लाह का कि तैमूर की औलाद बाप के सामने सुरखरू होकर आते। आज जो बहादुर शाह जफर की पर नवासी मतलब तीसरी पीढ़ी लड़की का, हम तो लड़के से हैं, हम बता दिया गार्डन रिच चले जाओ और अनवर शाह रोड चले जाओ, टीपू सुल्तान का खानदान है। खैर बेचारा गया, वो मैगजीन में लिखा तो अटल जी जब वो मैगजीन देखे तो आडवाणी जी से कहे कि इनको कुछ करना चाहिए इनके लिए, तो वो स्वामी चिन्मयानंद को भेजे 2003 15 अगस्त को। 1% रॉयल्टी दे सब में से, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और मीना बाजार, 1% दे सब में से। क्यों हमको देते, शर्म आ रही है। एक आदमी हमको फोन किया, बोला हाँ बोलिए क्या बात है सुल्ताना बेगम आप, हम बोला कोई शक है, बोलिए क्या बात है। हबीबुद्दीन तुलसी आपको ऊपर केस किया, आप नकली है, बोले जल्दी वारंट भेजो, पुलिस ले जाए तो मीडिया को कुछ मसाला तो मिले। हम पाकिस्तान 2010 में गए, बस में बैठे, तुम इसमें काहे बैठी, सीनियर सिटीजन, बोला हम तो बैठेंगे, कोई आएगा उठा दे, मतलब हमको उठा के दिखे। एक लड़का बोला काजी उठोगी नहीं तुम, बिहारी है, उठोगी नहीं तुम, हम लोग खड़ा रहो, खड़ा रहो मेरे सामने खड़ा रहो, देख 13 साल में शादी हुआ, 14 साल में माँ बने, 26 साल में हम 27 साल में बेवा हुए, 26 साल में 6 बच्चा हुआ, आज 38 साल हुआ बेवा होते, ठीक है, और 1953 का हम पैदा है, अब सब मिला के जोड़ मेरा उम्र कितना हुआ। बोले गाली वगैरह बहुत ही औरत आफत है, अब जो भी सब कंडक्टर हमको पहचानता है, नहीं नहीं चची ठीक है, हम बोले अब तू सब जोड़ गया खड़ा रहो, जोड़ के हमको बता मेरा उम्र कितना हुआ, तू 58 साल बोल रहा, बस अल 65 साल हो गया तो तुम्हारा नहीं है, बोले तू घर में आ अपना कार्ड दिखा रहे, आ घर में, कोई नहीं यकीन करता हमारा 66 साल है, हाँ हम चुकने वाली नहीं है। पहले बहुत बदमाश थे, एक लड़का ऐसी चुटी काट लिया ट्राम में, पकड़े कालर नीचे उतार दिया, मेरा मामू बोला बेटा छोड़ दे बेटा, बेटा तो इसको अल्लाह का वास्ता, हम बोला नहीं हमको चुटी काहे काटा, चुटी हमको काहे काटा, बेटा छोड़ दे बेटा तेरा हाथ जोड़े बेटा छोड़ दे, हम पहले इसको एक थप्पड़ मारेंगे तभी छोड़ेंगे, लेकिन अब दुनिया जान गया ना, अब थोड़ा कम करते हैं, बहुत ही बहस करते हैं, 13 साल में शादी हुई, हम ना गलत करते हैं ना हम गलत बर्दाश्त करते हैं। मेरी माँ की शादी तो लखनऊ में हुई थी, ये हम लोग को मैंने ख़ानदानी है, लड़की कहीं भी पहले शादी अपने वतन में, तो मेरे नाना पहले कह दिए थे कि अगर लड़की रहना चाहेगी तो रहेगी, नहीं तो इसका और इसके बच्चे लोग का पूरा भार हम उठाएंगे। तो 7 महीने के हम थे, जाके नाना देखें कि लड़की का मेरे दम हालत ख़राब हो गया, लेकर चले आए। फिर मेरे वालिद आए तो मेरा नाना बोले कि भैया देखो तुमको घर दामादू नहीं बनाना, तुम अपना खर्चा दे दिया करो और लड़की का उसके बच्चे का छोड़ो। तो 7 महीने से हम तलतला बाजार स्ट्रीट कलकत्ते में हैं। नाना नानी के बहुत दुलारी थे, यानी उस वक़्त अभी तो दुनिया का कंपा कोला तो माजा तो बाजा दुनिया का निकला, उस टाइम सोडा पानी ऑरेंज पानी था, पानी हम जल्दी नहीं पीते, जब प्यास मेरे साथ सब सहेली जुटी रहती थी, मिठाई वाला, सोन हलवा वाला, जितना पानी का दुकान है, और सुबह उठ के होटल में हमको 2 तस्तरी अगर मलाई नहीं मिला उस दिन हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे,
नाना बोलते हैं बेटा नाश्ता कर ले खा, हम तो खाएंगे नहीं। बोले काहे आज हमको भलाई काहे नहीं मिला, होटल वाला रखा क्यों नहीं, वो हमारा निकलने से पहले रख देता था मेज पर, माने फल में ऑरेंज पानी में हम पले, इतना दुलारी थे नानी का भी। तो नानी तो बहुत ही हमको मानती थी, मेरे लड़के को भी कमाल को भी इतना बड़ा हो गया, माँ गोदी से उतारो माँ इतना बड़ा हो गया, नहीं बिटिया रहन दो बच्चा है, अरे तुझको भी तो ऐसे ही पाला, मेरे ऊपर नौकर तक रखा था, आज हमारा नसीब ऐसा है। तो खैर अल्लाह का मर्जी, उससे हमको कोई फिक्र नहीं। शाम को मेरे नाना का ऑर्डर था, सब आ जाओ मेरे पास, मेरा बच्चा किसका कितना खाया है, तो हम क्या खाएंगे। हम लोग बचपन में चार आना अगर मिल गया, अभी चार आना कैसे खर्चा करें, क्या लेंगे, चल बाजार चलते हैं नारियल लेके आए, हम लोग सब मिल के खाएंगे। अब ले दो आना का आधा माला नारियल ले, अब दो आना कहाँ खर्चा करें, सब तो दुकान लगा हुआ मेरे लिए। तो सब लड़की मेरे साथ जुटी रहती थी, किसके साथ रहेंगे तो खाने मिलेगा। सब शाम को मेरा नाना सबको पेमेंट करते, सबको बोले है भैया पान दुकान, मेरा बच्चा जितना बोतल का पानी मांगे दे दोगे, है मिठाई वाला जो मेरा बच्चा मांगे दे दो, शाम को आ जाओगे, है जो होटल वाला जो मांगे इसको दे दो, आ फल वाला जो मेरा बच्चा खाने मांगे दे दो, शाम को आ जाओगे। शाम का अख्तर भाई आपका बच्चा दो रुपया का खाया, अख्तर भाई आपका बच्चा तीन रुपया का खाया, ओ अख्तर भाई आपका बच्चा एक रुपया, वो टाइम में एक रुपया बहुत था, अब लोग सबको दे रहे, कल फिर दे दोगे भाई, मेरा बच्चा जैसा, ये नहीं कि जाए तुम लोग नहीं दो, ये मत करोगे, हम अभी जिंदा हैं, जैसा रोशनी के लिए हम अभी जिंदा हैं। अभी भी हम लड़का लोग को बोलते हैं मेरे साथ लट्टू खेल, लट्टू कोई नहीं खेलता हमसे, एक ही गच्चा मारते पड़ जाता, बोला खेल हमसे लट्टू, अभी भी हम मारेंगे पड़ जाएगा, पतंग हम उड़ाए, साइकिल हम, गिली डंडा हम खेला, बट्टू हम खेला, लूडो हम खेला, गिरान चौसर, पचीसी, धाम सब हम खेला, डोमना सब, सब बेटा लड़का है। एक आदमी बोलता है इसका शादी होगा, अरे रात को जाएगी सुबह इसका तल्लाक हो जाएगा, ये तो मरद है मरद। जब 15 साल में हम घर करके निभा दिया, वही आदमी बोला कि वाकई ये खानदानी लड़की, तो उस वक्त ना इतना स्कूल का ये नहीं था जैसे अभी है, बच्चा का मुंह नहीं फूटा स्कूल में भर दो, कदा के ऊपर किताब लाद दो। तो लखनऊ में पहले यूपी में ये होता था ना कि आसपास नाई है या जो खतना करता है वो सब जैसे अपना की तरह है, तो वो लोग नाई थी सर का बाल वाल का, तो मेरे बाप उनको माने पीसी बोलते थे, पुपी, तो हम लोग की दादी हुई। तो कलकत्ता में जब वो घर ली तो मुझको कुरान शरीफ वही पढ़ाई, स्कूल नहीं जाने दिया, कुरान शरीफ उर्दू वो पढ़ाई, और हिंदी तो अब हम सीख लिया। नाना का नाम मेरा अख्तर हुसैन था और नानी का नाम हाजरा बीबी। नाना नानी के बहुत दुलार, जब हम 6-7 साल के हुए नाना मर गए तो बहुत मुसीबत, यानी बचपन से मुसीबत ही के दौर पे गुजर रहे, वही कोयला वाला इंजन पे चल रहे अभी, अब डीजल देखिए डीजल कब होता है। तो नाना नानी के बहुत दुलारी थे, बोला बेटा स्कूल नहीं भेजना है, स्कूल जाने से ना बच्चा लोग ख़राब हो जाता है, अभी जैसा दौर चला उस वक़्त बस घर में पढ़ो, और खेलते ही खेलते तो बताया नहीं मेरा शादी हो गया। अब शादी क्या है ब्याह क्या है वो हमको नहीं मालूम, बाप माँ भी बहुत हमको चाहते थे, सब बच्चा में ज़्यादा हमको मानते, मेरी माँ भी बहुत मुसीबत से हम लोग को पाली है। उस वक्त नाना मरने के बाद मेरी नानी फिर काम की, समझिए हम लोग 6 भाई बहन, नहीं 6 नहीं, मोहिन परवीन नहीं थी, एक बहन को मेरा मौसी ले ली थी पालने, 4 संजला वाला भाई गोद में था, हम 7 साल के। मेरी नानी जो खाना लाती थी ऐसा एक एक वाला हम लोग का हिस्सा लगता था। और नानी वही अपना बेचारी पानी पी के रह जाती थी, घर दिन कट गया वही हिसाब से वहाँ आंगन में सब आ बाबू थोड़ा खा ले, मतलब नहीं माँ को दीदी बोलते थे, बाजी ना अभी हम लोग को खाना खिला दी पेट भर, और बाजी भूख लगा
वो चूल्हे में एक तो कागज डाल देती, सो बेटा है अभी खाना पक रहा, पक जाएगा तो उठाएंगे। इसी सूरत से हम अपना बच्चा लोग को पाले। आज हावड़ा में कोई नहीं बोल सकता है कि इसका बच्चा को हम एक टाइम खिलाए। खैर मुसीबत जब मेरे बहादुर शाह जफर जब मुसीबत काटे तो हम काटा तो क्या, मेरे नबी जब मुसीबत काटे, जब इमाम हुसैन मुसीबत काटे, जब उनको हम याद करते हैं तो अपना गम भूल जाते हैं। निकाह जब हो रहा है तो मेरी माँ सिर पे हाथ दे के रो रही है, ऐसे मुड़ के जो देखा तो हम भी रोने लगे। बच्चा हम क्या जानते हैं, अभी का बच्चा लोग तो एडवांस है। तो हमको बोले तू काहे रो रही, हम बोले बाजी रो रही है इसलिए हम रो रहे, लेकिन किस लिए रो रही नहीं मालूम। अब जब निकाह हो रहा है, क्या बेदार साहब का एक दोस्त थे, वो बोले थे कि बेदार साहब का शादी हम कहीं होने नहीं देंगे, तो मेरी माँ के पास एक आदमी को भेजा, बोला देखिए आप शादी मत दीजिए क्योंकि बेदार साहब बहुत जुल्मी है, किसी से मिलने नहीं देंगे, बहुत पर्दगी करेंगे। तो एक बीवी को मार डाला है, एक बीवी का टांग तोड़ दिया, यानी बहुत बहकाया। मेरी माँ बोली जबान दिया बेटी हारे, अब उसका नसीब। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कभी किसी चीज़ का रोक टोक नहीं। बस एक ही बात बताते हैं कि सुल्ताना तुम कभी कोई गलत रास्ते पे जाने वाली औरत के साथ मत जाना, और नाइट शो पिक्चर मत देखना। बहुत उम्र में फर्क था, कहाँ 13 साल कहाँ 45 साल। सब औरत लोग बहकाती छोड़ दी बहुत उम्र है बाकत रे लगता। हम बोला नहीं, हम अपना खानदान और जो मोहल्ला का 5 हमको जिसको दिया है हम उसी के साथ रहे। 65 में शादी हुई, 80 में हम विधवा हो गए। जब से हम अपने बच्चे लोग को किसी हाल से भी अपना गा, लेकिन मरने से पहले ये बताए थे, उनको फालिश मार दिया था तो हमको बताया कि हम बोले नहीं आप ठीक हो जाएंगे। बोले नहीं मेरे बादशाह को भी फालिश मारा नहीं बचे, मेरे नाना प्यारे मिर्जा को भी फालिश मारा नहीं, हम भी नहीं बचेंगे। हमें दो ऐसा बहुत होता है। बोले नहीं हम बचेंगे नहीं, तो हमला भी लड़की लोग का शादी भी तो करना है। बताए कि मेरा जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारा है, हम ना रहेंगे ना हम करेंगे। तो खैर वैसे क्या 15 साल बीत गया, 6 बच्चे हैं। आज उनके सामने कौन इंसान अभी दुनिया का है, जात छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है कि 80 साल की उम्र में उसके सामने उसके औलाद को कत्ल करके सर दस्त में ला के उसका सर दे नाश्ते में बाप को, अब बाप उफ ना करे। ये उठा के देखे बोले कि शुक्र है अल्लाह का कि तैमूर की औलाद बाप के सामने सुरखुरु होकर आते, माने सर उठा के बाप का सर गिरा के नहीं आए। और उस बाप के दिल आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। हम ये सोचते कि अल्लाह उनका दिल पत्थर का बनाया था या क्या, पत्थर भी पसीज जाता है। वतन से बेवतन हो गए किसके लिए, ताकि मेरा खानदान ठोकर खाए नरक में जिए। जब 1857 का गदर हुआ था तो हालांकि सब बोलने लगा आलमपना अब छुप जाइए, तो बोले नहीं मुझको पता है मैं गिरफ्तार होऊंगा, मुझे वतन से बेवतन किया जाएगा, उनको पहले मालूम था। तो ये गद्दारी कौन किया, उनका समधी इलाही बख्श जो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह का पीछे उसका कब्र है, तो जो मुगल खानदान से है। हम बोले चलो निजामुद्दीन औलिया, हम तो कहीं जाते दरगाह जाते। तो बोले खाला है यहाँ इसका इलाही बख्श का कब्र है, जाइएगा। हम बोले सुनो ना तुम कैसे मुगल हो, तुम मुगल हो ही नहीं सकते, इसलिए जो मेरे खानदान को बर्बाद किया, मेरे वतन को बर्बाद किया, और हम उसका कब्र पे जाएंगे फातिहा पढ़ने, हमको ले भी नहीं जाओगे। संधावन ने गिरफ्तार किया था, लाल किला में मुकदमा चला, मुजरिम बन के खड़े हुए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखा कि दिन में इनको ले जाना तो आफत होगा, तो बहादुर शाह को उनका जो 3 लड़का 2 लड़का एक बहन का लड़का को कत्ल किया था, उन लोग को यमुना नदी में बहा दिया। बोला लोग का निशानी भी मत रखो, वो तीनों का कब्र कहीं नहीं है। तो बहादुर शाह को यमुना नदी के
करके उनको कलकत्ता लाया, फोर्ट विलियम में रखा, वाजिद अली शाह को भी रखा था, लेकिन उनका घुटना दे दिया हुजूर, उनका पूरा गार्डन रिच लिख के दे दिया, ठीक है। लेकिन आज भी इंसान बोलता है तू गद्दार की औलाद है, मेरे खानदान को मेरे बच्चे लोगों को नहीं बोल सकता कि गद्दार का खानदान है। उनको डायमंड हार्बर से पानी के जहाज में भेजा, मेरे डॉक्यूमेंट्री में उस सीन भी है। और उसी टाइम एक जहाज जा रहा था, शर्मा जी बोले हाथ हिलाते रहो, कितना हिला मेरा तो हाथ, शर्मा जी हो गया शर्मा जी, नहीं हिलाते रहे। वाह, और पूरी फिल्म बन चुकी है, दिल्ली में दिखाया, अभी बम्बई में दिखाएगा, दिखाने से बता देंगे। तो उनको तो रंगून भेजा पानी के जहाज से, मालूम है, और भी रात में भेजा, दिन में नहीं। आधा रात के बाद जब सुनसान हो गया, सब सो गया शायद, तब उनको भेजा। दिन में भेजने से पब्लिक भड़क जाएगा, इसलिए रात में उनको भेजा रंगून। 40 साल तो रहे, इसके बाद तो मर गए। उनका कब्र एक जगह नाला के पास दफन किया था, तो जब खुदाई उदाई हुआ, रिसर्च हुआ, तो मालूम हुआ कि बहादुर शाह का कब्र है। तो फिर वहां से उठा के फिर बनाया पक्का। आई बनाया कौन, नेता सुभाष चंद्र बोस, वो वहां गए थे। तो जो सिकंदर था, तो वो तो बड़ा था वेदार साहब से 18 साल बड़ा था, वेदार साहब से 18 साल बड़ा था। तो नेताजी अब ढूंढ रहे, तब तक तो इनका नाना इनको लेकर इंडिया चले आए, अब उतना छोटा बच्चा क्या करेगा। तो उसको वहां का मुतवल्ली बनाया, मजार का, मैंने देखभाल वही करेगा, जो कुछ भी पैसा आए कुछ आए सब उसी के जिम्मा। तो जैसे सुनते हैं, हकीकत क्या ये नहीं जानते हम, सुनते हैं कि वो किसी शराब के अड्डे में काम करता था सिकंदर। नेताजी उसको ले जाके वहां का मुतवल्ली बनाया, कब्र बनाया, और वहां का मिट्टी लेके कसम खाया कि अगर हम लोग रह गए तो इनका कब्र हिंदुस्तान में ले जाके दफन करेंगे। जो कि दिल्ली मेहरौली में जो जफर महल है, आज भी उनका जगह खाली है कब्र का। तभी तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए अल्लाह चाहे और ये हुकूमत चाहे तो ला सकती है। हाँ ठीक है, पक्का बना है ना, ठीक है, पूरा नहीं लाओ, थोड़ा तोड़ के, जैसे उधम सिंह का आया था, तो उधम सिंह का तो हड्डी नहीं मिला कुछ नहीं, राख लाया ना इंदिरा जी, राष्ट्रीय ध्वज लेके खड़ी थी, राष्ट्रीय ध्वज के साथ एयरपोर्ट में इज्जत के साथ लाया गया। तो हम पूछते हैं हर हुकूमत से, हर एक से सवाल का जवाब मांगते कि क्यों का जवाब हमको मिलना चाहिए कि बहादुर शाह जफर गद्दार थे या वफादार थे, उनका मिट्टी क्यों नहीं आया, क्यों का जवाब कोई नहीं देता है। थोड़ा सा काट के ला के उनको यहाँ मेहरौली में दफन कर दें, फिर वो कब्र को बना दे, हम लोग यहाँ उसको तैयार कर लें, उनको भी इज्जत के साथ लाया जाए। आज एक वफादार का, गद्दार का इतना शानो शौकत है, और एक वफादार का खानदान भिखारी का जिंदगी बसर कर रहा है, उनका मिट्टी क्यों नहीं आ रहा। हमको हुकूमत ने कोई भी हमको जवाब दे दे कि हाँ बहादुर शाह जफर गद्दार थे, उनका नहीं आएगा, तो हम कभी अपने जबान पर नहीं लाएंगे। और अगर वफादार है वतन के लिए, तो उनका मिट्टी क्यों नहीं आएगा। आपस में दोनों हुकूमत मेल मोहब्बत से बैठ के बात करके थोड़ा सा कब्र कमिटी लिया, ला के मेहरौली को अच्छे से, अभी मेहरौली भी टूटा जा रहा है, जफर महल को ठीक कर दिया, उसका मुतवल्ली हम लोगों को बनाए, मेरा नस्ल रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हमारा लड़का है। आज उनका चाचा का, उनका चाचा का और उनके बाप का है ना मेहरौली में कब्र, और एक को अंग्रेज बनाया था वली अहद, वली अहद माने ये मेरा वारिस है, उसका कब्र इधर है, और यहाँ बहादुर शाह का मिट्टी वैसे ही है, कच्चा है, खाली पड़ा है, क्यों नहीं लाया जा रहा भाई, कोई जवाब ही नहीं है। दूसरी बात है 15 अगस्त, कितना याद करें, 15 अगस्त 26 जनवरी सलामी ले रहे, भाषण मार रहे लाल किला पे, आज तक बचपन से, अभी तो हमको मालूम हुआ कि तवारीख क्या है, बचपन से देखते आ रहे हैं, लाल किला पे कोई आज तक नाम नहीं लिया कि ये किसकी इमारत है, क्योंकि मुगल का नाम लेने शर्म आता है।
पेंशन हमको मिल रही है, मेरा फाइल ऊपर है, सबको मालूम है। अगर हमको 15 अगस्त या 26 जनवरी में बुला लेने से क्या हिंदुस्तान का सर नीचा हो जाएगा या झंडा नीचे हो जाएगा? देश विदेश से मंत्री आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे, जापान से आ रहे हैं, अमरीका से आ रहे हैं, नाम हो रहा है हिंदुस्तान का। हम उसको बुलाने से हिंदुस्तान का नाम नीचे हो जाएगा? क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों नहीं? नेहरू जी है नहीं, नेहरू जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने ऐसा किया और नेताजी ने ऐसा किया, मौलाना आजाद का नाम नहीं लिया जाता, कट क्यों नहीं लिया जाता? क्यों का जवाब है ही नहीं। कोई भी मिनिस्टर हो, हम नाम नहीं लेते, कोई भी मिनिस्टर हो, क्यों नहीं लिया जाता? गद्दार लोग का नाम लिया जाता है ना, हैदराबाद, वाजिद अली शाह, ना हमको बुलाया जाता ना। आप नहीं बुला, चूल्हे भाड़ में जा, दुनिया में नाम है कम से कम लाल किला का तो नाम ले। आज जो बहादुर शाह जफर की परनवासी, परनवासी मतलब तीसरी पीढ़ी लड़की का, हम तो लड़के से हैं, और जमा बख्त जो उनके लड़के थे, जीनत महल के लड़के, वो साथ गए थे, वहीं दफन हो गए। मेरे ससुर भी वहीं पैदा हुए, वहीं शादी हुई, मेरी सास लखनऊ की थी, मेरे ससुर भी वहाँ, हमारे मेरे बेदार बख्त का भी पैदाइश वहीं का है, उनका है 22 दिसंबर 1920 का पैदाइश। नहीं, 6 महीने का थे, बाप मरे तो उनके नाना खूब लिखा लिखी किया, तो बोले नहीं अब वारिस ख़त्म हो गया है, आप लोग घर छोड़ दीजिए। बाकायदा जो भी घर का सामान था सब लिख कर ब्रिटिश गवर्नमेंट लिया, कितना कप लिया, इतना पतीली लिया, इतना ये लिया, एक तो लिस्ट बना के दिया, छोड़ दीजिए। 3 महीने बाद मेरी सास भी मर गई। अब उनके नाना क्या करें, छोटा बच्चा, और उनका हार्डवेयर का कारोबार था उस वक्त, पासपोर्ट कहाँ। अब वो क्या किए कि एक इतना बड़ा टोकरा लाए, बच्चा को उसमें लिटा के उसको ऊपर से पूरा फूल ढक दिया, अब वहाँ से वो पैदल इंडिया आए लेके। ब्रिटिश को मालूम हो गया, हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लूटा तो, लेकिन मेरे ससुर को रहने के लिए घर दिया था, घर का सामान दिया, और उस वक्त उनको 500 रुपया पेंशन थी, तो उस वक्त का 500 अभी कितना बनता है? हमको वही 500 के हिसाब से पेंशन मिल जाए। उसके बाद खैर बाद में ले लिया, वो अलग है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम हो गया कि मुगल का बच्चा यहाँ से भाग गया है, पीछे लगा, फिर नाना क्या किए, एक बक्सा तैयार किए, उसमें सब छेद किए, उसमें बच्चा को बंद करके, घोड़सवारी बहुत अच्छा जानते थे, लेकर निकल गए, बहुत जगह भागे। बच्चे के लिए नाना 2 निकाह और किए, एक भागलपुर में, एक मटियापुर में। कि अभी तो देखिए बेगैरती हो गया, उस वक़्त कोई लड़का कोई लड़की से बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो निकाह किए थे। आज जब 18 साल के हुए, नाना मर गए तो खुद भागने लगे, मुगल का बच्चा जिंदा है, उसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने जो लाएगा 1 लाख रुपया देंगे। उस वक्त का 1 लाख कितना, अभी का इस वक्त कितना बनता, करोड़ों अरबों बनता। उनके ऊपर इनाम रखा था मारने का, खैर हो गया, वो भी अपना छुप छुपा के रहे। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब फिर वो पार्टी उटी दिया गया कि हाँ मुगल का बच्चा है, डायरेक्ट है। उसके बाद 1960 में नेहरू ने पेंशन जारी किया, उस वक्त डॉक्टर विधन राय शायद थे, तो इनको निजाम हैदराबाद के पास प्यारे मिर्जा, मैंने बेदार साहब बताए कि 3 लाख रुपया प्यारे मिर्जा रखे थे बच्चा के लिए, कि हम इसको इधर उधर लेके घूमेंगे, ये पैसा आप रखिए, जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा उसको दे दीजिएगा। तो ये चालाकी क्या किया, बैंक के थ्रू 50 रुपया महीना देना शुरू, दूध का खर्चा, आ निजामुद्दीन औलिया के दरगाह से 100 रुपया महीना मिलता था। अभी समझिए हम हावड़ा शिवपुर में है, तो 1980 जुलाई महीने से फिर इंदिरा गांधी जी ने वही 400 रुपया पेंशन दिया। तो उस वक्त हम समझते नहीं थे कि वेरी स्पेशल केस क्या है, नहीं तो हम लेते नहीं पेंशन। और 1967 में
मार्च महीने में वो जो पार्लियामेंट में जो एक किताब निकलती है गैजेटेड, वो उसमें बेदार साहब का पूरा नाम के साथ HRH प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार भक्त किंग ऑफ द मुगल, ये टाइटल के साथ है उनका। 1922 में 1980 में बेदार साहब का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त ज्योति बासु थे, तो वो हमको एक फ्लैट दिया अनवर शाह रोड में। तो ऐसा मैंने बदतरीन जगह पे फ्लैट दिया, सारे गुंडलों के बीच में, वहाँ भी बहुत झमेला हुआ। वहाँ से फिर हम निकल आए, आने के बाद हम हावड़ा में आ गए। अभी 84 से हावड़ा शिवपुर में फर्शा रोड में एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी है, वहीं अभी हम बसर कर रहे हैं। अभी समझिए 32 साल से वहीं हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक रिपोर्टर मेरे पास आया, बोले बेगम साहब आप तो ऐतिहासिक हैं, लेकिन हमको 2-3 का और नाम बताइए तो मेरी नौकरी हो जाएगी। हम बता दिया गार्डन रिच चले जाओ और अनवर शाह रोड चले जाओ, टीपू सुल्तान का ख़ानदान है। खैर बेचारा गया, वो मैगजीन में लिखा, तो अटल जी जब वो मैगजीन देखे तो आडवाणी जी से कहे कि इनको कुछ करना चाहिए इनके लिए, तो वो स्वामी चिन्मयानंद को भेजे 2003 15 अगस्त को आए। तो हम 15 अगस्त को जरा कहीं निकल जाते हैं, अब एक आके बोला कि आप सुल्ताना बेगम हैं, बोला हम कैसे बता दें, क्या काम है पहले बताओ। तो नहीं कोई आया, उस वक्त इतना कादा कीचड़ था मेरे महल्ले में। वो बेचारा किनारे से आए, वो इंस्पेक्टर बोला बाबा बेगम पुताए था के किने तो चासकोर बढ़ जाएगा। उनको तो हम कभी देखा नहीं, आडवाणी को तो देखा भी है। सब बात बात हुआ, मेरी नवासी रोशन आरा छोटी थी, उससे सब पूछा क्या हाल है कहाँ पढ़ती हो। वो जाने के बाद तो हमको बताया कि आप एक काम कीजिए, आपका फ्लैट क्या हुआ आप हमको लिख के भेज दीजिए। हमको अच्छा, तो हम मेरे जो पीए हैं वो लिख के भेजा, तो ये बता गए थे कि अगर हम लोग की हुकूमत रही तो आपका सारा सवाल का जवाब हम लोग देंगे। अब या तो उनका बदकिस्मत ही या तो अपना है, अटल जी हार गए तो अब तो है बीजेपी, वही हुकूमत है, इंसान बदल गया। तो मर जाने से बाप मर गया तो बेटा आ गया, वो तो अलग सवाल होता है। तो देखते हैं अब इनको भी आजमा कर क्या होता है। खैर उसके बाद ममता बनर्जी आई 26 फरवरी 2004 में चेक लेकर, और ये थे तपन सिद्धर विकास मंत्री, आई तो हमसे बोली कि वादा की थी टीपू सुल्तान का खानदान को भी नौकरी देंगे और ये खानदान को भी। उस टाइम रोशनी छोटी थी, लड़की के लिए कोशिश करते, इनका 7 क्लास का था, कम से कम 10 चाहिए, नौकरी हुआ नहीं छोड़ दिया। उस वक्त वो कोयला मंत्री थी, फिर उसके बाद वो रेल मंत्री जब बनी अभी, तो मेरा पीए बोले कि देखिए अभी तो लोहा गर्म है पीटिए। हमने ठीक है लोहा गर्म कीजिए, हमको तो कल ही साइड चलाना। तो खैर नौकरी दी, तब तक रोशनी 12वीं क्लास में थी। हमने बेटा पढ़ाई छोड़ दो, फाइनल मत दो, तुम पहले नौकरी पकड़ लो। लेकिन फ्लैट के लिए इतना कोशिश कर रहे, बोलती है सरकारी फ्लैट खाली नहीं है। आज भी हम उस नरक में पड़े गए। तो क्या बहादुर शाह जफर अगर चाहते, जैसे कि वाजिद अली शाह मुझको जूता पहना, हजरत फौज आ रही बोले मुझे जूता पहना, बहादुर शाह ने तो नहीं किया, मीर जाफर की तरह तो नहीं किया, हैदराबाद की तरह नहीं किया, सब तो गद्दार निकले। तो अगर वो भी घुटने टेक लेते तो आज हम भी ऐसो आराम करते, मेरे आने वाली खानदान भी करती। लेकिन अफसोस तो है, लेकिन खुशी एक बात का है कि कोई मेरे बच्चे को गद्दार का खानदान नहीं बोल सकता, सीना ठोक के चल सकता है। अच्छा अब रहा मोदी जी गए बहादुर शाह जफर के मकबरे पर, से बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं उनका नजरिया कहाँ तक जाता है, उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे, अब रास्ता बन गया, हो सकता है ये कुछ करें, इंशाल्लाह जाएंगे। पासपोर्ट तो मेरा है, रंगून जाएंगे। अरे भैया मुर्दा पे सभी रोता, जिंदे पे तो कोई रो, मेरे बच्चे लोग पर तो कोई रो, कोई तरस खाओ।
कि जिसका सारा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, मुल्तान सब कुछ था इंडिया में, अभी तो बट गया है। आज उसके पास एक चिटाई के लिए जगह नहीं है, तो कोई एक झोपड़ी तो दे दो। देखते हैं, उम्मीद है कि इनसे कुछ हो सकता है। अगर बख्शे दे तो जहे किस्मत, नहीं बख्शे तो शिकायत भी क्या। दे दे तो मेहरबानी है, ना दे तो कोई शिकायत भी नहीं। उसी ताजमहल से कितना करोड़ का इनकम है, क्या रॉयल्टी मिलता हमको? तू 1% रॉयल्टी हमको दे। जामा मस्जिद से मीना बाजार का पैसा कहाँ जाता है? इमाम बुखारी, अहमद बुखारी के दिल्ली में हम खड़े होटल में पैक पैक पैक, भाई पैक पैक कहाँ से आवाज आ रहा? एक लड़के को बोले, हम इधर आ बाबू। बोले क्या बात है? हम लोग बत्तख कौन पाला है? इमाम साहब ना राजहंस पाले। बोले अच्छा, मस्जिद के अंदर राजहंस है, गाय है, बकरी है, ये इबादत करने का जगह है कि ग्वाल खाना है, क्या है? इसका पैसा कहाँ जाता है? हम खुद लाल किला हुमायूं का मकबरा में टिकट दे के जाते हैं। हुमायूं का मकबरा में अभी अभी हम गए, एक विदेशी से 250 रुपया, दो बच्चा, दो मियाँ बीबी गया, 1000 लिया। कितना आदमी जाता है? एक दो आदमी तो जाता नहीं, करोड़ों आदमी जाता है। ठीक है, खर्च है, उसमें नौकर चाकर है, मजदूर है, ठीक है बना, लेकिन कुछ तो हमको दे। 1% रॉयल्टी दे सब में से, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और मीना बाजार, 1% दे सब में से। क्यों हमको देते, शर्म आ रही है? हम तो भैया अपना हक लेकर रहेंगे, नहीं मिलेगा छीन के लेंगे। हम भी झांसी की रानी बन जाएंगे या तो दुर्गा का रूप ले लेंगे। हम अपने बच्चे लोग के लिए, गरीब के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको रॉयल्टी दो, फिर हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी में बुलाओ कि हाँ, देश को बचाने वाले, देश का वफादार का खानदान है, तो शर्म आएगा ना। कोई नहीं लेता नाम, जितना राष्ट्रपति हो कोई नहीं लेता। सबसे अच्छी राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, एकदम अपने साथ हमको बिठा के सारा कहानी सुनी। अर्चना दत्ता उसकी प्रेसिडेंट थी, उसको बोली कि जा मैं उनका फाइल लेके आओ, फौरन गई लेके आई। मेरा तो फाइल एकदम ऊपर रखा हुआ, फिर पूछो तो बोले ढूंढने से नहीं मिल रहा है। अर्चना दत्ता को कैसे मिल गया? उससे भी मिले थे 2009 में, 400 से 6000 हुआ। भैया मेरा ससुर को जो मिलता था 500, फिरंगी जो दे रहे थे उस हिसाब से अभी का जमाना में हमको पेंशन देते। एक आदमी हमको, उसका नाम भूल गए, नाम भूल गए, लिख के रखा है, आप बहादुर शाह जफर की बहू है। बोला हाँ, क्या शक है भैया? नहीं नहीं, हम अमेरिका से बोले। बोले कहिए। नहीं, आपका बहुत खस्ता हाल है, एक काम करते हैं, अपना सारा जायदाद आपको देना चाहते हैं। हमला भैया जगह बताइए, पाकिस्तान जेलम। हमला दो हाथ से आपको हम माफी चाहते हैं, आपको देना है मेरे हिंदुस्तान में दीजिए। इसी वतन के लिए बहादुर शाह जफर अपने औलाद को कुर्बान किया, बेवतन हो गए। जिस लाल किला में हुकूमत करते थे वहाँ वो मुजरिम बन के खड़े हुए, और हम अपने ऐशो आराम के लिए चले जाएं। 1981 में पेरिस से आदमी आया, हम हुजूर का पैर पकड़ लिया, मतलब हुजूर आप दुआ कीजिए कि हमको नहीं ले जाए, हम अपना वतन छोड़ कर नहीं जाएंगे। बेदार साहब सूखी रोटी खा के कब्रिस्तान में सो रहे, कल बोलेंगे कम वक्त तू ऐश करने चली गई। और बोलते थे कि हम मर के तुझसे अलग नहीं रहेंगे। लड़की लोग पर भी जब बहुत परेशानी होता ना, वो ठीक रात में दिखा देते हैं, बेटा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसा ऐसे चीज को ठुकरा है पैसे के लिए। देखिए, भूखे को क्या चाहिए, कि खाना झूठा है या सच्चा है, उसको पेट भरने से मतलब। हम चाहते तो चले जाते। मुल्तान से एक आए, हाँ बेगम साहब
आपका बहुत आपका खस्ता हाल है, मतलब हाँ बहुत बहुत शुक्रिया अफसोस करने का। तो हम आपका मुस्तकबिल बनाना चाहते, मतलब आपका ज़िंदगी बनाना चाहते, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बोलिए। तो आपको दिल्ली ले जाएंगे, मतलब अच्छा। ऊपर में ना मेरे भाई का ये है नर्सिंग होम है, नहीं नीचे, हाँ ऊपर नर्सिंग होम है, वहाँ आपको रखेंगे। मतलब अच्छा ठीक है। तो मेरा एक मैंने मुँह बोला भाई है, नहीं हम बोले एक शर्त में हम जाएंगे, मेरा जो सेक्रेटरी है वो जाएगा साथ में, नहीं मुस्लिम इलाका में रखेंगे, और वो तो गैर मुस्लिम है। हमला दरवाज़ा खुला आप जा सकते हैं, यहाँ भी हम मुस्लिम इलाका में हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कि वो हिंदू क्यों है, दरवाज़ा खुला आप जा सकते हैं। तो मेरे ससुर एक शादी और किए थे बर्मिस से, तो सिकंदर जो हुआ तो वो बहुत लिखा लिखी किया कि हमको भी भाई हक मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोला तुम्हारी माँ बर्मिस है, बाप हिंदुस्तानी है, तुम मुगल नहीं हो सकते। तो जब वो मुगल नहीं हो सकता तो हबीबुद्दीन तूसी कैसे मुगल हो सकता, जबकि वो मुगल का पैदा है, जमशेद बख्त का पैदा, बहादुर शाह का पोते का पैदा है, जब उसको मुगल नहीं माना तो हबीबुद्दीन तूसी कैसे मुगल हो सकता है। अभी 2 साल पहले एक आदमी हमको फोन किया, बोला हाँ बोलिए क्या बात है सुल्ताना बेगम आप, हम बोला कोई शक है, बोलिए क्या बात है, हबीबुद्दीन तूसी आपको ऊपर केस किया, आप नकली है, बोले जल्दी वारंट भेजो, पुलिस ले जाए तो मीडिया को कुछ मसाला तो मिले। तो वो आदमी हमको 16 में बुलाया था अगस्त महीना में कि प्रोग्राम करेंगे आप आइए, हम बोले सुनिए आएंगे, हम हैदराबाद थी, लेकिन मेरे महफिल में हबीबुद्दीन तूसी नहीं आना चाहिए, नहीं हम उसी वक्त उठ जाएंगे, हम किसी का नौकर नहीं है, बैठा होगा किसी कोना में, देखा जरूर है। बहादुर शाह जफर का जब 1857 में गदर हुआ तो उनकी परनवासी क्या कि जितना वो समेट सकी, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी पैसा वो समेट के लेके भागी, ठीक है वो भागी, भागते भागते पता नहीं कहाँ 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 गई ये नहीं मालूम। तो उसके पास दौलत है, अब देखिए मान लिया बहादुर शाह जफर की परनवासी का मुगल में शादी हुआ, हम मान सकते हैं हुकूमत थी उस वक्त, उसके बाद जो 3 पीढ़ी लड़की जो हुई उसका तो मुगल में शादी नहीं हुआ, फिर उसके 3 पीढ़ी लड़की के बाद ये हबीबुद्दीन तूसी है, तो किस एंगल से मुगल है? हम अपना सिजरा फेंकते हैं, तुम अपना फेंको, तुम तो अगर तुम मुगल थे तो तुम गद्दार की लड़की से कभी शादी नहीं करते। वजीद अली शाह का खानदान से एक लाया था मेरी सीमा का रिश्ता, बड़ी लड़की का तो छोटी थी, बेदार साहब वजीद अली शाह का खानदान, बेदार साहब बोले हम यहाँ का एक भिखारी को लड़की दे देंगे लेकिन गद्दार खानदान में अपनी लड़की नहीं देंगे। तुम कैसे गद्दार खानदान में किए? इसलिए दौलत के लालच में। तेरे बाप का नाम क्या था, तेरे नाना का नाम क्या था, उसके नाना बाप का नाम क्या था, एकदम शुरू से आ जाए और हमको बताता हम नकली है। तो गवर्नमेंट तो इतना भी, इंदिरा गांधी भी बेवकूफ नहीं थी, उनका भी दिमाग बहुत चलता था, वो टाइटल 67 में ऐसे ही दिया, टाइटल के साथ है वो फाइल, हम लाए उसमें फोटो किया हुआ है। और दूसरी बात है मेरे पेंशन ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि बहादुर शाह जफर के पर पुत्र वधू विडो है सुल्ताना बेगम। पहला तो लड़का है उसका नाम कमाल बख्त है, उसके बाद लड़की हुई, सब 1.5 साल 2 साल 1.5 साल 2 साल छोटा बड़ा, बड़ी लड़की का नाम सीमा बेगम, बीच वाली का नाम है रौनक जमानी बेगम जो अभी बम्बई में है, और उससे छोटी तरन्नुम जहां जो मेरे साथ आई है, उससे छोटी तनवीर बेगम, उससे छोटी जीनत महल। तो ये जब हुई थी तो बोले कि नहीं हम अपना दादी का नाम रखेंगे, जीनत महल नाम था, रौनक जमानी बेगम इसलिए रखे थे कि उनकी फूफी का नाम था रौनक जमानी बेगम, हम लखनऊ में बहुत उनका रौनक मंजिल ढूंढे लेकिन कोई पुराना आदमी नहीं है बता नहीं पा रहा, मेरा उस वक्त कम उम्र था, हम लोग बस पिक्चर देख रहे घूम रहे ही आ, नहीं तो उनसे पता पूछते, उनको मालूम था कि लखनऊ में कहीं उनकी पुपी का
है रौनक मंजिल। हम बहुत बार लखनऊ गए लेकिन उनका नहीं मिला। वो बाल बच्चा होगा, औलाद होगा तो लोग क्या पहचानेगा, लेकिन वो रौनक मंजिल कोई हमको बता दे तो हम उसका खानदान को ढूंढ के निकालें। हम तो अपने खानदान को ढूंढ ढूंढ के लखनऊ में निकाले, कौन कहाँ है कौन कहाँ है सबको ढूंढ के निकालते। हमारा भाई लोग कहता है हम लोग नहीं सकते भैया, वो काम आप ही का है, वो कोई कब्र में भी चला जाएगा ना तो उसको खोद के निकाल लेती है। लेकिन रौनक जमानी बेगम इसलिए रौनक का नाम रखे कि मेरी फूफी का नाम था। लखनऊ में ऐसे मेरी खाला भी मर गई, उनके पास उनका भी चार लड़का तीन लड़की और हम लोग भी चार भाई तीन बहन। तो हम अपनी माँ को कभी कभी बोलते तुम लोग ऊपर से लिखा के आई थी कि हम लोग का चार लड़का तीन लड़की होगी, तो खाला तो मर गई। अभी जाते हैं लखनऊ तो भाई के यहाँ ठहरते हैं, फिर चाचा की लड़की है, फूफू की लड़की है, फिर हमारे चाचा हैं संडीले में। लखनऊ में पूरा खानदान है, सिर्फ मेरी नानी आई, मेरे नाना लखनऊ से भाग के आए। उस वक्त टिकट कितना था? 5 रुपया। वो भाग के आए, मेरी माँ लखनऊ में रह गई, मेरी नानी साल दो साल ससुराल में रह के देखी। जब तब फिर वो आए कलकत्ता ढूंढने लगी, मेरे नाना मिल गए। अब मेरे नाना मिल गए तो उनके दूसरे भाई भी भाग के चले आए। एक भाई और है बशीर नाम है, वो भी मर गए। वो 5 रुपया में लोटा बेच के भाग आए कलकत्ता। तो उस वक्त तो रेलवे में नौकरी, उस वक्त नौकरी पूछता कौन था, उनका रेलवे में लग गया नौकरी। तो इस तरह से, लेकिन वो लोग रिटायर के बाद ना फिर अपना लौट गए। लेकिन मेरे नाना बोले नहीं, हम जहाँ आए हैं और जहाँ हमको रोटी और रोजी मिला है हम इसी जगह जिएंगे, इसी जगह मरेंगे। गए लखनऊ, आना जाना सब कुछ है, लेकिन जो कुछ भी हम लोग करते हैं बस कलकत्ते में करते हैं, लखनऊ में नहीं, जाते आते हैं। बोले यहाँ से हम कमा के अपने ही यहाँ करेंगे। उन लोग भी आती है, हम लोग भी जाते हैं। अभी लड़की को घुमा के लाए। भैया जिस इंसान को जहाँ रहते हो वहाँ की मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए। तो हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। 27 साल की उम्र में बेवा होना कोई कम अहमियत नहीं है। बहुत इल्ज़ाम लगा, बहुत कुछ, एक ही जवाब देते रहे, वक्त बताएगा हम क्या है। हम अपना सफाई नहीं देंगे, वक्त बताएगा हम क्या है। कोई तो बोला शादी कर लिए, हम बोला हम कर लिया है, सफ़ेद कागज पे लिखावट दिखाओ हमको शादी। अरे बहुत तूफान आया, हाँ हम भी मुगल की बहू, हम क्यों मुर्दा बने, हम जिंदा दिल्ली से जी रहे। हम पाकिस्तान 2010 में गए तो जिसने हमको बुलाया था वो सोचा कि इनको गुलाम बना के रखे। अरे गुलाम मेरे यहाँ दर, मेरे दर पे गुलाम था, हम तुम्हारा गुलाम बनेंगे, उसका गुलाम बनेंगे। खैर एक जहांगीर का मकबरा पे ले गए, उनका मकबरा ठीक ही है लेकिन ग्राउंड खस्ता है। उसके बाद चलो फातिया आतिया पढ़ा, उसके बाद नूर जहाँ के मकबरे पे ले गया। आप यकीन कीजिएगा, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, आप पूजा करते हैं हम फातिया करते हैं, वो मसला अलग है। सुन्नी और शिया कलमा नबी का पढ़ता है, मानता इमाम हुसैन को, मानता हजरत मोहम्मद को, दोनों को एक मातम करता है, एक नहीं करता है। आज नूरजहां के रास्ते में या उसके मकबरे पे इतना सा सुर्खी नहीं है और उसका रास्ता ऐसा है कि आप एक कदम चल नहीं सकते। जहांगीर और नूरजहां एक में थे और उनका भाई का पास में है। अब वो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या 20 से रेल लाइन निकाल दिया, क्यों दोनों को अलग कर दिया? अच्छा हो गया तो हम फिर एक मीडिया आया, हम रोने लगे कि आप लोग क्या इतना तासुब क्यों है, आपका इस्लामी मुल्क है, आप लोग क्या इतना तासुब क्यों है, नूरजहां का मकबरा इतना खस्ता क्यों है? खोल के दिखाया अंदर ले जाकर कि ये उनका मकबरा है, ये उनकी लड़की का, एक दिया जल रहा। उसके बाद ले गए शाही मस्जिद, इमाम साहब बहुत अच्छे हैं लेकिन इमाम होने के नाते हमसे बोले आप हिंदुस्तान से मलका ही, हम बोले आपको कोई शक है? नहीं नहीं। तो उनको क्या चाहिए था, एक दुपट्टा मेरे ऊपर डालते, हमारे हिंदुस्तान में कोई भी आता कोई कौम आए हम लोग उसको सर ढाँक के भेजते।
खैर बैठे बात हुआ तो वक्त वाला था, जियो था, बहुत सा मीडिया था। इमाम साहब खड़े, जो बुलाया वो इधर खड़ा। हमसे बोले आप मलका हैं? हम बोला कोई शक है आपको? नहीं नहीं ये बात नहीं है। आप पाकिस्तान आई, आपको कैसा लगा? अब तो मेरा पैर का सिर में चढ़ गया। हमने सुनिए एक बात हम बोलते हैं, पाकिस्तान तो आपके लिए है, हम उस सरजमीन पे खड़े हैं जो 1947 से पहले थी। अब मेरे शहनशाह मलका नूरजहां या आराम फरमाई, हम उनके सरजमीन पे खड़े हैं, पाकिस्तान पे नहीं खड़े। अब वो जो है यहाँ चूटी काट कर के मेरा पैर को एकदम लाल कर दिया कि नहीं बोला। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम क्यों बोलेंगे पाकिस्तान है? हम अपनी सरजमीन पे खड़े। इसके वजह से वो हमको और दोबारा फोन नहीं करता। फिर एक एक्सप्रेस बोल के एक मीडिया है, वहां ले गया। एक और भी दावा कर रही है रौनक जमानी बेगम, हम बोला हाँ मेरी लड़की है। तो सवाल की आप शिया हैं कि सुनिए, मतलब सुनिए आप मजहब के बारे में पूछ रही हैं या मेरे खानदान के बारे में? इंडिया में आज तक किसी मीडिया का हिम्मत नहीं है जो मेरे मजहब के बारे में पूछे। मजहब के बारे में पूछना है तो हम उठ जा रहे हैं, खानदान के बारे में पूछना। और आप तो इस्लामी देश में, आप मुसलमान हैं ना, आप अपना लिबास क्या पहनी, कोट आप पहन, ये आपका। हमारे वतन में हिंदू का वतन है। आज एक हिंदू लड़की भी सर ढाक के चलती है, रुपट्टा लेकर चलती है, और आप मुसलमान होकर आप पैंट और शर्ट पहनी है। तो आपसे एक जगह एक मौला इमाम हुसैन का दरबार में ले गया, ऐसे दीवार पे उर्दू लिखा हुआ था, तो हम पढ़ने लगे। तो उनका सालिक आदमी बोला आप उर्दू पढ़ लेती हैं? हम लोग सुनो, तुम पहले ये बताओ हिंदुस्तान को समझते क्या हो? हिंदू का वतन है। अरे तुम्हारे पाकिस्तान से अच्छा है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई अपना मजहब छुपा के नहीं जीता है, मिनिस्टर के मुंह पे गाली देता है, दिल खोल के जीता है। आपके यहाँ एक ईसाई है उसका नाम मुसलमान रखा हुआ, सलाम अलैकुम खुदा हाफिज क्यों भाई? आपको अपना मजहब करना है चर्च में कीजिए, अपने घर में, रोड में नहीं। हमारे हिंदुस्तान में जीना मरना हिंदू मुसलमान क्रिश्चन सबको लेके हम लोग करते हैं। अब क्या समझते हैं उर्दू नहीं जानते पढ़ना? हिंदू का वतन है तो जबरदस्ती हिंदी पढ़ाएगा? एक से एक LLB LLM जज बालिस्टर प्रोफेसर एक से एक सब उर्दू में हुआ, एक से एक मौलाना हाफिज कारी हुआ। क्या समझते हैं हिंदुस्तान को? तुम्हारे यहाँ नूरजहां के मकबरे पे इतना सा सुर्खी नहीं है। आज ताजमहल, मुमताज महल भी शिया है, आज उसका 7वें नंबर पर है। आज देश विदेश से लोग आते हैं ताजमहल को देखने, तुम्हारा नूरजहां के मकबरे पे तो हम नहीं आ पाते कि कभी भी वो गिर जाएगा। तो जब यहाँ से जाने लगे, उनको तो मालूम था कि हमारे वतन लौटेंगे नहीं, तो एक तकिया के गिलाफ में वतन की मिट्टी ले गए। जीनत महल से बोले मरने टाइम कि जब हमको दफनाया जाए तो पहले ही मिट्टी मेरे वतन का मेरे सीने पर रख देना। पूरा गजल तो याद नहीं है, वो है लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में, और कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी ना मिली कुए यार में। और एक तो है ना किसी के आँख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। कोई आके फातिहा पढ़े क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई आके चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार। दो गजल उनका बहुत फेमस है जो लाल किला फिल्म में भी है। हम अंदर गए, अब तो गर्मी, अब देख रहे कोने में दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ। अब वो भाई बोल रहे हैं आप कुछ मत बोलिएगा, हम बोला आप चुप से चलिए हम तो बोल के रहेंगे। गए भाई मकबरा में, फातिया वातिया पड़ा, लौट के आए काउंटर में, हम बोल रहे हैं ये क्या है? बोले मकबरा। हम बोले मकबरा किसको बोलते हैं? हम नहीं जानते। बोले यहाँ कब्र है। बोला वो कब्र है? बोले हाँ। बोले किसका है? बोले हुमायूं बादशाह। बोला कौन हुमायूं बादशाह? हम नहीं जानते।
तो हम बोले सुनो, कब्रिस्तान है ठीक है, तुम लोग का गार्ड कब्र के पास फिरंगी लोग को जूता लेके क्यों जाने देता? एक को हम इशारा से बोला तो बेचारा जूता उतार के गया। और दो हंसों का जोड़ा क्या कर रहा कब्रिस्तान में? वो तो आखिरी मंजिल है, शशान घाट हो या कब्रिस्तान हो वो तो आखिरी मंजिल है ना। यहाँ दो हंसों का जोड़ा, तो बंगाली हमको क्या बोला, तुम कौन होता बोलने वाला, पकड़े उसका कालर। हमने तू खड़ा रहो, एक इंच हिला कि मारेंगे गुस्सा, सारा दांत अंदर चला जाना। अभी हम बताते, ये 300 रुपये वाला कपड़ा पिट गया मेरा, अभी हम बताते। एक कार्ड निकाला काउंटर में फेंक दिया, आप भैया लोग टिकट का है काटेगा सब मेरे पीछे। ओ हावड़ा में चाय आप बेच रही हैं, हावड़ा में चाय आप बेच रही। अब उसका लड़का बोला बाबा तुम ही कहनो बोल ले बाबा बा। हमला सुनो तुम्हें बंगाल दिए से चाह हमी बंगाल दिए से मानुष के नाच जेने सुने बोलबे कहनो तुम्ही के तुम्ही जानो हमी के जिमी सामर ससुर तुम जानो। अब तो लग रहा है ऐसे 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 कांप रहा है। मतलब कभी किसी को कपड़ा के ऊपर मत जाओगे। रोशनी बोले छोड़ दीजिए ना अम्मा। हमला नहीं भाग बात हम छोड़ेंगे नहीं, ना गलत करेंगे ना गलत किसी को करने देंगे। हम क्या कर रहा हूँ लड़का लड़की हुआ, एक प्रेम नगर है नहीं कब्रिस्तान है। तब बोला आप तो बोल रही हिमायून कौन हम नहीं जानते। हमला तुम भी बोलते कौन है, हम हिमायून का मकबरा जाते टिकट काट के, कौन कहानी सुनाएगा। लाल किला जाते 10 रुपया दे के। अभी जो मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है वो टिकट लेते हुए भी दिखाया है। हम अपना चीज दे, अभी ये जो डॉक्यूमेंट्री बना था आम दरबार में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो लाइन लगा के टिकट लिया। तो उधर एक वकील है उसको बहुत जानकारी है लाल किला का। बोला देखिए यहाँ उनका किचन था बर्ची खाना, और इस तरफ जो है उनका एक तो पर्सनल मस्जिद था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट तोड़ दिया, तो उधर एक तो बाथरूम बना है। तो शर्मा जी भी गए, हम लला हम भी चले गए, हम गए चले आए। अब वकील वकील था एक आदमी और था खड़ा, आके हम लोग के पास खड़े हो गए। तो उन लोग हम बोले मतलब भाई साहब ये शर्मा जी कर रहे का, उसको पैसा दे चले आए कर रहे का, और वो सोच रहे हम अंदर है आए। हम बोले क्या हुआ शर्मा जी आप वहाँ क्या कर रहे थे? बोले नहीं मैडम हम समझे आप अंदर है, हमला नजर तो घुमाइएगा हम किधर है। बोले देखिए ना पेशाब करने का भी GST लिया, मेरा खानदान का बनाया हुआ चीज में हम GST दिया। अब बोलिए अब हम बोलेंगे फलाना खानदान से, इंसान बोलेगा ये पागल हो गई है, कहाँ ये कहाँ वो। चल भैया कार्ड रखा है। अरे जो आज शादी कल तलाक, आज शादी कल तलाक, ठीक है हम गुस्सा में आपको बोल दिया तलाक तलाक तलाक। एक तो गुस्सा में कसम हराम है, दूसरी बात है उसको उर्दू में बोला जाता कफारा। मौलवी बैठेगा उसका रिजल्ट निकालेगा, उतना आप दान कीजिए उतना गरीब को खिलाइए तो आप रह सकती उसके साथ। बात 3-4 बच्चा हो गया तलाक तलाक, सऊदी से लिख के दे दिया तलाक, तुमको तलाक दिया। अब वो बेचारी 4 बच्चा लेके कहाँ जाए, कहाँ जाए, उसका तो जिंदगी बर्बाद हुआ साथ में बच्चा का भी जिंदगी। तो वो 4 बच्चा जहाँ अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं कुछ नहीं करेगा आगे नहीं पढ़ने पाएगा तो वो बच्चा क्या बनेगा आगे चल के, देश का क्या भविष्य होगा? कल को चोर होगा, बदमाश होगा, लुच्चा होगा, आतंकवादी होगा, माओवादी, दुनियावादी का दुनियावादी बन गया, वो बच्चा क्या बनेगा? बाप का सपोर्ट रहेगा, बाप का साया रहेगा, माँ उसको पालेगी तालीम देगी, उसका दिमाग खुलेगा। बच्चा को अगर कोई गलत रास्ते ले जाएगा तो बोलेगा नहीं ये रास्ता गलत है हमको ये रास्ता चलना चाहिए। ये काम बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम बहुत दुआ देते हैं। तो बहुत सी लड़की का जिंदगी बच गया। एक वकील लड़की को तलाक दिया था, मोदी जी यहाँ बुलाए थे, वो भी आई थी हावड़ा टिकिया पाड़ा की थी, उसको हम बहुत तलाश किया। हम बोल रहे बिल्डिंग में है, यही बिल्डिंग में है, अजी फलाना क्या तो उसका नाम है यहाँ है, नहीं खे मालूम। मतलब बेटा तुम लोगों को सब मालूम है, चाहेंगे ना तो कब्र से मुर्दा भी निकाल लेंगे। लड़ रही है, बड़ा अच्छा नाम है, मुसलमान है, तुम वहाँ अरब से बैठ के उसको तलाक दे दिया। दो बच्चा लेके कहाँ जाए, लड़की भी अब बड़ी हो रही है उसकी, ये चीज़ बहुत अच्छा किया।
इंसान को क्या चाहिए, ताकत कब मिलता है, खाने से या अपने आप कहीं हम जाएं लड़ें, अभी चार आदमी इकट्ठा करें इस आदमी के लिए काम करें, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो मेरे पास तो है नहीं भैया, ना तन पे कपड़ा है, ना हाथ में पैसा है, ना प्लेट में खाना है, तो हम किसको खिलाएं। करने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इतना गरीबी में भी बहुत को बहुत कुछ किया, बोलना नहीं चाहिए। इस्लाम में मना है कि सांस से दो तो इस हाथ को मत बोलो, जिसका किया है वो बता रहा है। सबसे पहला सवाल तो मेरा बच्चा लोग है, ठीक है, आदमी पहले अपना तंदुरुस्ती देखता है तब कुछ करता है, तो इस सूरत से मेरा तंदुरुस्ती मेरा बच्चा है, ठीक है, नवासी को हम पाले, एक नवासा को पाले भाई तो मेरा जान है। दूसरा सवाल आज नहीं, बहुत पहले से सब तो या अल्लाह हमको इतना दौलत दे परवरदिगार, लेकिन दौलत दे तो हमको घमंड मत दे, घमंड दे तो दौलत मत दे, इतना दौलत दे हर दरगाह हम जाएंगे पूरा जहाँ जहाँ है। दूसरी बात है, कोई गरीब लड़की है उसका शादी करा दिया, कोई मर गया चंदा हो रहा है, कोई चंदा नहीं देगा, चल कितना कब अच्छा से अच्छा इसको कफन दे के दफना दो, पहले भैया जो जो काम होगा इतना पैसा ले लो। मेरा असल एक ख्वाहिश है, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमको इतना मिले अपने बच्चे लोग का सुख देख के। अभी भी तो चार औरत हमको शादी के नाम पे ठग के चली गई, नाक का कील उल सब लेके चली गई, सोना का देखो दे दे बहनी, देखो नाक का दे दे बहनी, लड़की के ब्याह है, ले भैया नया रखा हुआ था आज से 7-8 साल पहले 700 का, ले जा बहन तेरी लड़की को। और जब इंक्वायरी करने गए बोले ये नाम का कोई इस नाम का शकील, हम बोले कहाँ रहती है तुम, तो अरे शकील बाड़ी वाला के। जब वहाँ जाके पता किया जी यहाँ शकील बाड़ी वाला कौन है, बोले यहाँ कोई शकील बाड़ी वाला नहीं है, चार औरत अब आती है, हम बोला हम करेंगे, हमको 6,000 मिलता ना उसी से करेंगे, तुम हमको पता दो, हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे इंक्वायरी करेंगे। हमारा एक ही सवाल है, इंक्वायरी करेंगे, अल्लाह हमको इतना दे जैसे ईद में बहुत गरीब लोग का नहीं होता है। चलो भाई घर में जाएंगे देखेंगे सही है गरीब है, ये खाता पीता है, ये मजबूर है, लो एक एक टन स्लिप दे दिया, आ जाओ मेरे घर ले जाओ, ठीक है। दूसरा सवाल है कि कभी गरीब को मत सताओ। अभी भी हम उस जगह में जिस काम में हम हाथ देंगे उस काम में महल्ले का कोई आदमी हाथ नहीं देगा, काउंसिलर हो या MLA हो, बोले बेगम हाथ दिए हम लोग हाथ नहीं देंगे। और जो एक का जो घर दिलाए बोले हम उसको 25,000 दें, बोले तो 25,000 दिया हाँ दे ले बनी, बोले अच्छा रुक जा 25,000 हम तुझको देंगे, 25 पैसा नहीं मेरे पास, 25,000 हम तुझको देंगे, चल मस्जिद में चल कुरान शरीफ खोलेंगे सूरह कहर पर रख देंगे कि कलाम पाक ये नबी का बोल है, हम इस पे इसका वाजिब पैसा रख रहे हैं, अगर वाजिब है और इसका सही 25,000 है तो ये उठा ले। बोले नहीं हम 15,000 दिए, बोले गरीब का तू 10,000 डाफला किया, सूरह कहर से तो लोग कितना डरता है, तो कहे हम गरीब को सताएंगे। फिर उसको दूसरी औरत आके सता रही, कोर्ट दिखा रही अदालत, हम बोला बोल दे केस करने हम है, बोल केस करने ना मैडम मेरा पैसा दिला दो, हमें तू मरेगी तो कब्र में लेके जाएगी। एक आदमी है के जगह तू जमीन खरीद के फ्लैट खरीद के रखी, गरीब है बीमार है काम हम करेगी देगी। गरीब को कभी मत सताओ, देना जरूर, चार आदमी से हम थक चुके जब से कान पकड़ लिया, हम देंगे लेकिन हमको जगह बताओ, मेरा कोई हस्ती नहीं है करने का, कराने वाला अल्लाह है, उसका हुक्म था मेरे हाथ से करने का, मेरा कोई औकात नहीं, हम किसी का कुछ नहीं किया, तो जिसका करेंगे वो बोलेगा, हम काहे बोलेंगे, हम किस लिए बोलेंगे हम किया, मेरा कोई औकात नहीं कोई वजूद नहीं है। अभी भी हम करते हैं और अभी भी यही ख्वाहिश है कि परवरदिगार इतना दे कि हम गरीब लोग का खुद जा के मदद करें, अब उससे भी ज़्यादा हो जाए तो एक छोटा सा कुछ खोल दे, चल गरीब बच्चा लोग पढ़े लिखे। हमारा बस यही ख्वाहिश एक है कि अल्लाह हमको दे हम मजबूर लोग का मदद करें, मजदूर का करेंगे, अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि अगर तुम कोई इंसान यतीम के सर पर हाथ रखता है तो हम उसके सर पर हाथ रखें।
हम तो इतना करते कि अभी भी इतना गरीबी में भी आओ हमें एक तो टाइम निकाले मेरे पास बैठ के पढ़ो जितना हम जानते हैं पढ़ के आगे बढ़ो, कहीं अगर तुम्हारा ज़रूरत पड़े तो हम चलते हैं, 1500 का दरकार पड़ेगा तो हमारा हाल में भी हम दे सकते हैं। अब वही मेरा लड़का लड़की भी करता है, अरे तू कहाँ था? बेचारा ना भूखा था ना, चले गए थे खाना खिला। ए कमाल, ये झोला छोटा है, ये दो हाथ में झोला किसका लेके चला आ रहा? और बेचारी नानी जो है ना बुढ़िया है ना, बैठिए नानी बैठिए घर में बैठिए, चाल आ रहे पी लीजिएगा, आपका घर हम पहुँचा दे रहे बाजार। वो भी सके उसका तो दाता नाम रखा ना मेरा लड़का, कोई बुढ़िया आदमी को अभी भी देखेगा? आइए आइए नानी बैठ, नहीं बाबू हम तो मोटरसाइकिल में नहीं सके, नहीं नानी हमको पकड़ के बैठिए हम आपको छोड़ के आ रहे घर। वो भी वही करता बाप का तो घर में सामान पकाया, एक तो बनाते हैं हम सूजी मैदा देखे तुमको खिलाए थे ना, ये डालडा का डब्बा में भर के रखा, चार दिन का बाद उठा रहे हैं, ये खटर खटर हो रहा है, इसको हम भर के रखा। हमारा सुनिए ना इसे कहा वो मीठा टिकिया, आहा सुल्ताना इसको नहीं मालूम। हमला बोलिए हम दिन भर आग में जले हैं, कहा हुआ इसमें से टिकिया साहब, चार चार किलो का दो डब्बा हम भर कर। आहा बेचारा ना इसका कोई बीवी बच्चा नहीं है ना, खाने से दुआ देगा। बोला अच्छा लाइटर का किए लाइटर, आहा वो बेचारा लेंगड़ा है ना माचिस नहीं जला सके, जलाएगा ना तो उसको दुआ देगा। हाँ बोला साहब सारा दिन हम चूल्हा में मारे वो खाली दुआ ही हमको दिलाते रह रहे, वो ऐसा आदमी। और उनका भी एक सवाल और हम लोग का खानदान में भी अभी है कि कोई आ गया तो उसको भूखा मत भेजो, नहीं है अपना हिस्सा का खिला दो, होटल है पैसा है होटल से मंगा के तुम खाओ, ये आदत बेदार सबका था, वही कमाल का आदत है, जिसको पारा पकड़ कर लिया रहा भाई खाना तो भूखी है। अरे बाबा थोड़ा हम होटल से ला देंगे मगर उसको दे दो, आज भी मेरे यहाँ एक दो आदमी का हिस्सा बनता है, शायद कोई भूखा आ जाए। मेरे नाना का ये आदत था, सुबह 5 बजे चूल्हा, तब कोयला का जमाना था जलता था, रात को 11 बजे बंद होता था। उस जमाना में 5 रुपये में वो बाजार नहीं जाते थे, बोले 5 रुपये में क्या बाजार लाएंगे, 10-20 होता। अब वो जो चूल्हा जला अब वो दिन भर जला, मेरी नानी एक दिन बुझाती कहो चूल्हा बुझ गया, मेरी नानी बोली गर्मी बहुत है ना, गर्मी है छत के ऊपर चाहो बैठो चूल्हा जला, कोई भूखा आ जाएगा तुम चूल्हा जलाओगी फिर पकाओगी फिर उसको दोगी। आज जिसको देखो उनका दो, हम लोग बोलते हो भाई कौन है, अरे बेचारा शादी किया है ना उसका घर नहीं है ही रहेगा, अब लोग मियाँ बीवी को खिला रहे। लेकिन हाँ उन लोग भी इंसान है, अभी बेचारा लोग मर गया है आज तक लोग वफादारी निभाया है आज तक। तो हम लोग खाली हम शाही खानदान से हैं बोल के नहीं, हमारा खानदान में ऐसा है, ये जो मेरी सखी दाता आई है ये अम्मी ये चीज़ ना आपके पास चाह रहे हैं अभी शरीर को दे दीजिए ना, मैं किसी को चम्मच किसी को कढ़ाई किसी को कुछ, मतलब आप मरिएगा तो क्या कीजिएगा, मतलब मेरा इतना बच्चा लोग ऐसा बांट लेगा, नहीं कोई लेगा तो रोशनी को दे देंगे। अभी कितना सामान उठा के दे के आइए ओ अम्मी, अरे रहने दे मेरा कपड़ा अच्छा है, आप कहाँ पहनिएगा छोड़िए ना बहुत पहनी, दे दीजिए बेचारी गरीब है उसका मियाँ थोड़ा पगला है, ये इतना कपड़ा उठा के जाके दे के चलिए, अभी अभी जो गई थी हमले आदत तो बहुत ख़राब है, दे दीजिए ना बेचारी गरीब है पहनेगी तन ढकेगा दुआ मिलेगा, हमारे तेरा बाप भी दुआ देके गया और तू लोग भी दे, नहीं हम भी देते हैं मजदूर है क्या बोले अल्लाह तो वह अल्लाह माफ़ करे। नाना नानी बहुत किया, हम भी कभी कुरान पढ़वा देते हैं सबका नाम डाल देते हैं ससुराल का मायके का, कुछ खाना बनाए सबका नाम का फातिया करके दे देते, काहे आज उन्हीं लोग की वजह से हम जिंदा है, रखने वाला तो अल्लाह है लेकिन एक वसीला है।